नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सो स्टेटमेंट इज फाइंड द इनवर्स ऑफ 3 + √2 इन द q^2 / 1/3. नाउ सो व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द inverse of 3 + √2. Now we know that since this is q/√2 is a field, so basically it is a q√2. So here it is a not raised to power 1/3. So here it is a √2. So here it is 2 raised to power 1/3. So this is equal to q generated by this 2. As we know that these are equals because it is a field. So what is the inverse? Now inverse of 3 + √2 must be in q this generated by 2. So what is the element of this? So element of this is of this kind. This is √2 and this element is a + b √2 and ab belongs to rational numbers. So असी इस एलीमेंट का इनवर्स फाइंड आउट करना. सो इस एलीमेंट का इनवर्स किदा फाइंड करांगे? सो जस्ट इनवर्स इज 1/3 + √2. सो इनू असी रैशनलाइज किया 3 - √2 / 3 - √2. सो दिस वैल्यू इज 3 - √2 / 9 - 2, so which is 7. So this value is equal to 3/7 - 1/7 √2. So this element is rational number. So this element is rational number. So total element is belongs to q/√2. So if it belongs to q/√2, so it is the inverse which is in q/√2. So what is the inverse of this element? So inverse of this element is 3/7 - 1/7 √2. So that is the inverse in the q/√2. So next question is very important. So in the next question, so given field is q/√2 / q^2 / 1/3. So this is a q/2 / 1/3. So this is a question number 2, and the given field which is of this kind. So sab to pehla this minimal polynomial dekhiye. So agar main चेक करा तो इस फील्ड दी, इस एलिमेंट दी जड़ी मिनिमल पॉलिनोमियल होएगी ये कितनी होएगी? x³ - 2. सो व्हाट इज दिस? इट इज ए मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ 2 raised to power 1/3 विद रिस्पेक्ट टू ओवर रैशनल नंबर. तो ये साढ़े को मिनिमम पॉलिनोमियल हो गए. सो असी इनवर्स किदा फाइंड आउट करना? वो साढ़े को इनवर्स है 4 - 2 × 2 raised to power 1/3 + 4 raised to power 1/3. सो इहदा मतलब इहदे नाल असोसीएट पॉलीनोमियल केड़ी बन गई? सो असोसीएट पॉलीनोमियल
विच इज़ ए, आ साढ़े को आया फोर, दूजे पासे माइनस टू, सो यदी जगह पर एक्स लिख लिया वेरिएबल, सो दिस इज टू एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर टू. सो दिस इज एसोसिएट पॉलीनोमियल, सो आई राइट इट एज एफ एक्स. सो पी एक्स साढ़े को मिनिमल पॉलीनोमियल आ गई, और दिस पॉलीनोमियल इज ए एसोसिएट पॉलीनोमियल्स, और एसोसिएट पॉलीनोमियल्स नो सी एफ एक्स दे विच रिप्रेजेंट करता. सो वी कैन फाइंड टू पॉलीनोमियल्स जी एक्स दूजे का नाम रख लो, एच एक्स रख लो, कुछ हो रखना हो रख लो, सच दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस पी एक्स इंटू एच एक्स इज इक्वल टू वन. तो असी फाइंड कर सकते हैं साढ़े को लीनियर कंबीनेशन इक्वल टू वन दे बराबर. हूँ अगर मैं ध्यान नाल देखा एफ एक्स की डिग्री कितनी है, दो, पी एक्स की डिग्री कितनी है, तीन. सो वन थिंग इज क्लियर, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लैस दैन डिग्री ऑफ पी एक्स. तो साढ़े को पी एक्स बड़ी पॉलीनोमियल हो गई, और डिग्री ऑफ जी साढ़े को दूसरी पॉलीनोमियल वो लैस हो गई. सो एफ एक्स क्या है, फोर माइनस टू एक्स प्लस साढ़े को एक्स स्क्वायर, दिस है. और जी साढ़े को मिनिमल पॉलीनोमियल है, सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस साढ़े को जीरो एक्स माइनस टू. सो ये साढ़े को मिनिमल पॉलीनोमियल हो गए. मैं इस पॉलीनोमियल नू इस पॉलीनोमियल नाल डिवाइड करना. सो फस्ट इट इज़ एक्स स्क्वायर, एक्स नाल कीता एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस साढ़े को फोर एक्स, लोअर क्लासेस दे विच आपा करते हैं प्लस माइनस. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, सो हेयर टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू, दिस वैल्यूज. हुण मैं टू दे नाल डिवाइड करता मल्टीप्लाई, सो साढ़े को प्लस टू, सो हेयर टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, और प्लस साढ़े को आ गया एट. माइनस प्लस माइनस ये भी कट गई टर्म, ये भी कैंसल हो गई, सो रिमाइंडर साढ़े को आ गया माइनस टेन. सो व्हाट इज दिस, इट इज़ ए रिमाइंडर, सो दिस इज आई राइट आर. तो साढ़े को रिमाइंडर की वैल्यूज आ गई. सो डिवीजन एलगोरिथम के मुताबिक इनू मैं आ साढ़े को आ गया क्यूशेंट, सो दिस इज ए क्यूशेंट, आ हो गया डिवाइजर, इस पॉलीनोमियल नू डिवाइड कर रहे हैं. सो बाय डिवीजन एलगोरिथम दिस कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब माइनस टू, दिस वैल्यूज. सो जिदे नाल डिवाइड किया फोर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यूज आ गई. और क्यूशेंट साढ़े को कितना आ गया एक्स प्लस टू दे बराबर, और रिमाइंडर आ गया साढ़े को माइनस टेन दे बराबर. सो दिस इज कॉल्ड ए डिवीजन एल्गोरिथम. सो असी डिवीजन एल्गोरिथम नाल इस पॉलीनोमियल नू रिप्रेजेंट करता. सो मेरा मतलब है कि आपां जो एक्स की वैल्यूज टू रेज टू पावर वन बाय थ्री हो जाती है, सो इस दा इनवर्स फाइंड आउट करना, सो दैट इज़ माई परपस. ठीक है जी. तो लीनियर कंबीनेशन जड़ा सी पहला
लिखा सी और हिसाब नाल अगर चलिए सो माइनस वन बाय टेन नाल मल्टीप्लाई किया सो दिस वैल्यू विल बिकम माइनस टेन इंटू एक्स क्यूब माइनस टू और इस पॉलिनोमियल नू दूजे पासे शिफ्ट किया ठीक है जी सो वो साडे कोल कितना आ गया प्लस दे नाल आ जाएगा माइनस नाल किया सो दिस विल बी प्लस सो दिस विल बी वन बाय टेन इंटू एक्स प्लस साडे कोल वन बाय फाइव दिस पॉलिनोमियल और उस तो बाद दिस पॉलिनोमियल फोर माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन ठीक है जी आप पॉलिनोमियल की सी एफ एक्स है और इहदा नाम तुसी की रखिया सी जी एक्स रखिया सी और दिस पॉलिनोमियल तुहाडे कोल सी पी एक्स सी और माइनस वन बाय टेन जिहड़ा है ये पॉलिनोमियल का नाम की आ गया एच एक्स सो वट इज इट मीनस एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस पी एक्स इंटू एच एक्स इज इक्वल टू वन जिहड़ा कि असी ऑलरेडी गल कर चुके हैं सो फ्रॉम दिस वट वी गैट जी ऑफ एक्स द वैल्यूज फाइंड आउट की एक्स बाय टेन प्लस वन बाय फाइव और एच ऑफ एक्स की वैल्यूज साढ़े को कितनी आ गई माइनस वन बाय टेन के बराबर सो असी एक्स नू क्या पुट करना एक्स इज इक्वल टू टू रेज टू पावर वन बाय थ्री ता ही साढ़े को जी गिवन पॉलिनोमियल है उस फॉर्म के बनेगी सो इफ दिस लीनियर कंबीनेशन सो वट वी गैट दिस टर्म विल बी जीरो वैन वी सब्सिट्यूट x equal to 2 raised to power 1 so this term will be 0 so it will be only two terms whose product is equal to 1 so sade kol pehli term this values inu main fx nu pehla likh lena so this polynomial is 4 minus 2 into 2 raised to power 1 by 3 plus sade kol 4 raised to power 1 by 3 so this is from एफ एक्स और ये तो साढ़े को टर्म क्या बनी वन बाय टेन और एक्स की जगह पर आ गया टू रेज टू पावर वन बाय थ्री प्लस साढ़े को वन बाय फाइव एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू वन दिस प्रोडक्ट सो इन दोनों का प्रोडक्ट यूनिटी के बराबर आ सो ये एक दूजे के इनवर्स बन गए सो अगर ये इनवर्स बन गए सो फ्रॉम दिस वी गैट द वैल्यू ऑफ इनवर्स ठीक है जी सो ये तो साढ़े को इनवर्स की वैल्यूज आ जाएगी वन बाय फाइव सो वट इज़ द इनवर्स ऑफ फोर माइनस टू इंटू टू रेज टू पावर वन बाय थ्री प्लस साढ़े को फोर रेज टू पावर वन बाय थ्री सो इनवर्स ऑफ दिस टर्म सो विच इज़ इक्वल टू वन बाय फाइव प्लस हेयर इट इज़ वन बाय टेन इंटू टू रेज टू पावर सो ये जो एक्स की वैल्यू असी सबसीट्यूट की सो दिस इज टू रेज टू पावर वन बाय थ्री सो दिस इज माई आंसर सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस सो आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ए very important theorem so what is the statement of that theorems so statement is if we have some polynomial of degree n over a field so if f of x this is any polynomial so this is any polynomial of degree n greater than equal to 1 over field f ठीक है जी
सो एफ साढ़े कोई पॉलिनोमियल आ गई जी डिग्री एन आ ओवर फील्ड एम. सो दैन देयर एग्जिस्ट ए देयर एग्जिस्ट ए एक्सटेंशन ई ऑफ एफ such that degree of E over F is less than equal to n factorial. ताकि असी एक ऐसी extension लाभ सकते हैं जिदी degree साढ़े कोल इदे तो n factorial तो less हो जाएगी. So again it is very important result. So we will prove this result with the help of mathematical induction. So what is the statement? So first let degree of fx which is n, so take it as 1. So if it is a 1 then it is a polynomial of degree 1. So f of x can be written as अल्फा एक्स प्लस बीटा और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होएगा और बीटा दोनों फील्ड नू बिलोंग करेंगे दिस वैल्यूज. तो ये रूट देख लो. सो ये जेडे रूट है वो किन्ने आ जाएंगे माइनस बीटा अल्फा इनवर्स. सो माइनस बीटा अल्फा इनवर्स विच इज ए रूट ऑफ fx polynomial and r also in f. क्यों? क्योंकि f field है, alpha भी इन्हें belong करता, beta भी इन्हें belong करता, so beta into alpha inverse भी इन्हें belong करेगा. ये belong करेगा तो इधर root f ही चला गया. So extension साढ़े कोल f e रह गई. So here I choose choose E is equal to F, right? So what is the E degree of F which is equal to, we know that 1 because saade kol it is a F over F. So a 1 hai aur 1 ki hunda less than equal to 1 factorial. So is case de vich असी एक्सटेंशन केड़ी लभी ई. सो ई हैज़ ए रूट ऑफ ई साढ़े को हैज़ रूट ऑफ एफ एक्स. ये सानू पता ही है कि एफ एक्स दे रूट ई दे विच आ. तो असी एक्सटेंशन लै ली जिहड़ी कि गिवन कंडीशन नू सैटिस्फाई करती. नाउ अजूम रिजल्ट इज ट्रू फॉर अजूम result is true for all polynomial of degree less than n. मान लो कि जड़ा साड़े को result है ए सारियां पॉलिनोमियल ने ट्रू है जिन्हों की डिग्री एन तो छोटी है ओवर ए फील्ड एफ. सो ये साढ़े को आ गया. तो प्रूव असी किदे लिए करना एफ एक्स लिए यानी कि एन लिए प्रूव करना. मान लो एफ एक्स बारे सानू पता तो पी एक्स असी मान लिया कि दिस इज ए इररिड्यूसीबल पॉलिनोमियल which is a factor of fx. So px which is a irreducible polynomial which is factor of fx. ठीक है जी. यानी fx polynomial दा कोई ना कोई इररिड्यूसीबल पॉलिनोमियल जेड़ा उदा फैक्टर मान लिया.
जय इनवर्स ये भी कह सकते हैं पी एक्स इज इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ एफ एक्स, तो यदि कोई ना कोई डिग्री होएगी, सो डिग्री ऑफ पी एक्स असी एम मान लीए और एम साढ़े को किदा का विच इज लैस दैन इक्वल टू एन है क्योंकि उस तो उदा फैक्टर आ तो डिग्री वो साढ़े को लैस होएगी, जे लैस होएगी तो ये साढ़े को बाय इंडक्शन रिजल्ट ट्रू होएगा। सो यदा मतलब देयर एग्जिस्ट ए एन एक्सटेंशन एन एक्सटेंशन ई डैश ऑफ एफ विच हैज रूट ऑफ विच हैज रूट ऑफ पी एक्स विच हैज रूट ऑफ पी एक्स। मान लो कि अगर पी एक्स का कोई रूट ए है तो वो किनू बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा ई डैश और सानू पता नाल दे नाल ई डैश ओवर एफ। सो दिस इज साढ़े को किस फॉर्म च आ गया, सो दिस इज ए लैस दैन इक्वल टू एम फैक्टोरियल आप यूज कर लेंगे। सो दिस इज लैस दैन इक्वल टू एम फैक्टोरियल क्योंकि वो रिजल्ट ट्रू आ, सो दिस इज लैस दैन इक्वल टू एम फैक्टोरियल। ठीक है जी, सो दिस वैल्यूज आ गए। और दूजे पासे जे आप एक रूट की गल करिए तो असी एक एक्सटेंशन लभ सकते हैं जी आप एफ ए एफ वाली थ्योरम यूज करते सी, सो देयर इज एन एक्सटेंशन ई डैश ऑफ एफ सच दैट मैं इन थोड़ा जहा दूजे ढंग नाल भी लिख देना, सो सच दैट पी एक्स हैज रूट ए इन ई डैश और डिग्री ऑफ ई डैश एफ साढ़े को किदे बराबर हो जाती सी डिग्री ऑफ पी एक्स दे और डिग्री ऑफ पी एक्स किदे बराबर आ गई सी साढ़े को विच इज़ इक्वल टू एम दे, असी एम दे बराबर लिया हुआ क्योंकि पी एक्स फैक्टर है एफ एक्स का, तो जेड़ा पी एक्स का रूट आ वो एफ एक्स का भी रूट होएगा। सो ए इज रूट ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स, सो पी एक्स का सिगा नाल दे नाल ए जेड़ा साढ़े को रूट हो गया एफ एक्स का। तो बाय फैक्टर थ्योरम एक्स माइनस ए विच डिवाइड एफ एक्स किदे विच इन एक्सटेंशन दे विच इन ई डैश या ई डैश ऑफ एक्स दे विच, सो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू एफ वन एक्स सच दैट एफ वन एक्स ये किनू बिलोंग करता ई डैश एक्स बिलोंग करता। हुण ई एफ वन एक्स की जे तुसी डिग्री देखो किन्नी होएगी एन माइनस वन होएगी, सो आलसो डिग्री ऑफ एफ वन एक्स विच इज इक्वल टू एन माइनस वन, तो ए डिग्री एन तो लैस है, सो दिस इज लैस दैन एन, सो बाय इंडक्शन साडा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। सो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए फील्ड एक्सटेंशन, हुण वो फील्ड एक्सटेंशन किदा होएगा याद रखना ई डैश का, सो जे ई डैश का
फील्ड एक्सटेंशन है तो नेचुरली वो एफ दा भी होगा। देयर एग्जिस्ट ए फील्ड एक्सटेंशन ई ऑफ ई डैश सच दैट डिग्री, इन्हों इतने लिख लेना, सच दैट डिग्री ऑफ ई ओवर ई डैश विच इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक, क्योंकि एन की जगह आते हम साढ़े को एन माइनस वन फैक्टोरियल हो गया, ई माइनस ई डैश इक्वल टू एन माइनस वन, एंड एफ वन एक्स हैज रूट एंड एफ वन एक्स हैज एन माइनस वन रूट्स इन ई। साढ़े को एन माइनस वन रूट ई च हो गए, तो एन वाला रूट कि रह गया ए, वो कि वो ई डैश चा, और ई डैश कि पार्ट आ ई का, तो ए रूट भी ई का पार्ट बन गया। सो एफ एक्स के सारे रूट ई दे विच चले गए। ठीक है जी, सो आलसो ए बिलोंग्स टू ई डैश और ई डैश इज सबसेट ऑफ ई, तो ए भी ई नू बिलोंग कर गया। इहदा मतलब दिस ई हैज ऑल एन रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, तो सारे दे सारे एन रूट एफ एक्स दे इन्हें हो गए। अगर एफ एक्स दे सारे रूट्स हो गए, सो असी लिख सकते हैं ई ओवर एफ, सो दिस इज डिग्री ऑफ ई, ई डैश ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लाती और ई डैश साढ़े को एफ आ गया, मतलब सब तो छोटी फील्ड एफ, उस तो बाद ई डैश, उस तो बाद ई, ए साढ़े को आ गया एफ ई डैश एंड ई, दिस वैल्यूज आ गए। नाउ दिस ई डिग्री ऑफ ई तो ई डैश आप कर चुके हैं कि बराबर आ डिग्री ऑफ ई तो ई डैश, सो दिस इज लैस दैन इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये कि बराबर आ एम दे, एम कि तो लैस आ एन तो, सो दिस इज लैस दैन इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। सो विच प्रूव अवर रिजल्ट, सो वी फाइंड ए एक्सटेंशन ई ओवर एफ हूज वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, सो विच प्रूव अवर दिस थ्योरम। सो इनू असी इस ढंग के नाल इंडक्शन के नाल प्रूव कर सकते हैं। इस तो साडा जिहड़ा अगला पार्ट शुरू हो जाता, वो पार्ट शुरू हो जाता स्प्लिटिंग फील्ड। सो दिस इज ए स्प्लिटिंग फील्ड। सो पहला तो असी इस डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए। सो स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है? मान लो कि साढ़े कोई एक्सटेंशन है, मान लो एन एक्सटेंशन E of a field F, ठीक है, एफ साइड को फील्ड है और E एक्सटेंशन हो गई, और E नो असी कहांगे स्प्लिटिंग फील्ड इज सेड टू बी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, तो उस पॉलिनोमियल दी असी स्प्लिटिंग फील्ड देखनी है, एफ एक्स विच बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, मतलब
कि आ साडे कोल एक्सटेंशन नूं असी स्प्लिटिंग फील्ड कहांगे इस पॉलीनोमियल दी किहदे उत्ते ओवर एफ दे उत्ते। अगर मैं इनू स्प्लिट कर लिया फैक्टराइज कर लिया लीनियर फैक्टर च इनू एफ एक्स इज एक्सप्रेसिबल एज एफ एक्स अगर यदि डिग्री एन है तो ये एन लीनियर फैक्टर हो जाएंगे। सो दिस इज ए अल्फा नॉट फिर आ गया एक्स माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू करते जाइए एक्स माइनस अल्फा एन। सो इन असी फैक्टराइज करता लीनियर फैक्टर दे विच और जड़ा अगर ए कॉन्सटेंट है ए जीरो सो ए जीरो तो एफ नू बिलोंग करेगा और अल्फा आई साडे कोल एदी एक्सटेंशन नू बिलोंग करनगे यानी कि ई नू अल्फा आई बिलोंग्स टू ई दिस वैल्यूज आ गए और आई इज रनिंग फ्रॉम वन टू ते एन मतलब ये जो रूट्स आ वो एक्सटेंशन छोड़ पहली का। तो स्प्लिटिंग फील्ड की बन गई ई विच इज़ ए एफ जनरेटेड बाय आ जिन्हें रूट्स आ ये सारे विच कर दें अल्फा वन अल्फा टू एंड अल्फा एन। सो दिस ई नो असी इस ढंग नाल रीप्रजेंट कर सकते। सो दिस इज़ ए कॉल्ड ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलीनोमियल। सो रिमेंबर दैट इट इज़ ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पॉलीनोमियल्स। सो इनू असी ज़्यादा बैटर एग्जाम्पल दे नाल स्टडी कर सकते हैं स्प्लिटिंग फील्ड नो। इस कंसैप्ट नू समझन लई आपां कुछ एग्जाम्पल नू डिस्कस करते हैं। सो ये सारी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फस्ट क्वेश्चन फाइंड द देखो ये सब कुछ आ जाएगा फाइंड द डिग्री पहला आप डिग्री भी लभनी है ऑफ मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल और पॉलीनोमियल सानू क्या देती है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस वन और किदे उत्ते ओवर क्यू दे उत्ते। सो अगर एक क्वेश्चन नू तुसी अंडरस्टैंड कर लोगे मैथड तो तुहाडे कोल कोई भी क्वेश्चन होवे तुसी उहनू सॉल्व कर सकदे। सो हेयर साडे कोल पॉलीनोमियल है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस वन ठीक है जी। सो स्प्लिटिंग फील्ड साडे कोल की आ जाणगे पहला इहदे छे रूट्स लभ लईए और छे रूट्स अगर फाइंड आउट कर रहे सो ओ क्यू तो इदा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ये साडे को बेसिकली स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी। सो दिस इज ए पॉलीनोमियल ओवर क्यू। सो दिस रूट ऑफ दिस पॉलीनोमियल एक्स रेज टू पावर सिक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एक बार मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना एक्स सिक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन किन्ना हुंदा सिज ऑफ पाई जा आयोटा च भी लै सकते। सो ये साडे कोल टर्म एक्स बन जाएगी सिज ऑफ टू के पाई के इंटीजर प्लस पाई रेज टू पावर वन बाय सिक्स और के दी वैल्यू किन्नी हुंदी है जीरो वन टू थ्री फोर ते फाइव अपन पता है ठीक है जी। सो दिस इनू वन बाय सिक्स डी मॉयवर्स थ्योरम ना नीचे आ जाएगा। सो सिज ऑफ टू के प्लस वन इंटू पाई बाय सिक्स सो ई दी पावर नाल भी आप लिख सकते हैं।
सिज फॉर्म दे विच वी असी इनू एक्सप्रेस कर सकते के दी वैल्यू 0 पुट की 2 की 1 की सो उदे नाल साडे कोल रूट आ जाएगी। सो तुसी के दी वैल्यू जदों असी 0 कीता सो साडे कोल आ गया सिज ऑफ पाई बाय 6 एक रूट, के नू 1 पुट कीता तो कितना आ गया पाई बाय 2 सिज ऑफ पाई बाय 2, फिर के नू 2 सब्सटीट्यूट कीता सिज ऑफ 5 पाई बाय 6 जिन्हों असी लिख सकते पाई माइनस पाई बाय 6, फिर असी के नू 3 सब्सटीट्यूट कीता सिज ऑफ 7 पाई बाय 6, देन आफ्टर 8 प्लस 1 9 पाई बाय 6, सो सिज ऑफ 9 पाई बाय 6, 3 दून 6 जम 1 7, 4 3 6 जम 1 7, 4 दून 8 जम 1 9, 10 5 दून 10 जम 1 11, सो दिस इज सिज 11 पाई बाय 6। ये साढ़े को रूट्स आ गए, किन्ने रूट्स आ गए 6 रूट्स आ गए। सो तुसी इनू सिंपलीफाई कर सकते हैं, सो सिंपलीफाई किते दो दो दे पेयर बन जाएंगे सिज एक ये नाल बन जाएगा प्लस माइनस, ठीक है जी। सो अंडर रूट 3 बाय 2 प्लस माइनस आयोटा बाय 2 दो रूट आ गए, फिर आ जाएंगे माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 प्लस माइनस आयोटा, फिर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। सो साढ़े को इस पॉलीनोमियल दे 6 रूट्स आ गए। हुण इन्हां रूट नूं अगर मैं बहुत ध्यान नाल स्टडी करा तो देखो कि जिहड़ी फील्ड दे उत्ते काम कर रहे हो आपां रैशनल नंबर आ, और इस रैशनल नंबर दे विच अगर आपां देखांगे क्यू तो इलावा किहड़े किहड़े एलीमेंट्स हैगे, इहदे विच चार एलीमेंट दी इनवॉल्वमेंट हो रही है, एक हो रही 2 दी, एक हो रही अंडर रूट 3 दी, और एक हो रही आयोटे दी, सो 3 दी हो रही, बाकी प्लस माइनस टर्म है। तो रैशनल नंबर च 2 ऑलरेडी रैशनल नंबर च बिलोंग करता, अंडर रूट 3 नहीं करता, आयोटा नहीं करता, इहदा मतलब इहदी जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड आ ਉਹ ਕਿਊ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਅਤੇ ਆਇਓਟਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ, ਇੱਕ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਟਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਐਫ ਐਕਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿਊ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਆਇਓਟਾ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਓਵਰ ਕਿਊ, ਓਵਰ ਕਿਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਲ ਲੈਣੀ ਆ ਫੀਲਡ, ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਲ ਫੀਲਡ ਇਹੀ ਆ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਏ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਫੀਲਡ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕਰ, ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਐਫ ਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਰੀਡਿਊਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਈ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਈ ਓਵਰ ਕਿਊ, ਇਹ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਆਇਓਟਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਊ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਆਇਓਟੇ ਨੂੰ ਕਿਊ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਠੀਕ।
क्यू अंडर रूट थ्री तक, जा साढ़े को क्यू अंडर रूट थ्री एटा साढ़े को आ गया क्यू अंडर रूट थ्री दे तक, और उस तो बाद क्यू अंडर रूट थ्री असी क्यू दे नाल अटैच करिए। सो बेसिकली क्या है कि तुहाडे कोल इत्थे सब तो बड़ी फील्ड पई अंडर रूट थ्री आयोटा, और तुहाडे कोल रस्ते च कौन आ रहा, एक आ रहा क्यू अंडर रूट थ्री आ रहा, एक क्यू आयोटा आ रहा, और उस तो बाद तुहाडे कोल क्यू बन रहा। चाहे तुसी इस साइड तो चल पाओ, चाहे इस साइड तो चल पाओ, एक साइड नू तुसी चूज कर। अगर मैं इहदा नाम एल रख लें, सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए एल आयोटा डॉट एल दिस आ गया, और दिस इज़ ए क्यू अंडर रूट थ्री क्यू दे बराबर दिस वैल्यूज आ गया। हुण आपां इहदी वैल्यू लभ सकते हैं, इहदी मिनिमल पॉलीनोमियल कौन आ, इहदी मिनिमल पॉलीनोमियल है एक्स स्केयर माइनस थ्री, और आयोटे की मिनिमल पॉलीनोमियल की होंगी एक्स स्केयर प्लस वन। सो वट इट मीनस, इट मीनस दिस इज ए डिग्री ऑफ एक्स स्केयर प्लस वन इंटू डिग्री ऑफ एक्स स्केयर माइनस थ्री, ये आ गया टू इंटू टू विच इज इक्वल टू फोर। तो दो डिग्री ओदी होगी, दो ओदी होगी, तो साडे कोल फोर आ गई। तो जिहड़ी असी स्प्लिटिंग फील्ड ई फाइंड आउट कीती गिवन पॉलीनोमियल दी ओवर क्यू, ओदी साडे कोल डिग्री किन्नी आ गई, फोर आ गई। सो विच इज़ आंसर, और असी इहदे जिहड़े आ फाइंड भी कर सकते हैं बेसिस दे एलीमेंट किहड़े किहड़े होणगे। एक पासे तां तुहाडे कोल आ गया वन आयोटा, दूजे पासे आ गया वन ते अंडर रूट थ्री। सो पहला आ वन चको दोनों ना मल्टीप्लाई करो, फिर आ आयोटा चको फिर अगले दोनों ना मल्टीप्लाई करो। सो तुहाडे कोल आ गया वन अंडर रूट थ्री, हुण आयोटा लिया आयोटा ते आयोटा अंडर रूट थ्री। सो दीज आर बेसिस ऑफ ई ओवर क्यू, ठीक है। तो आपां अगर बेसिस दी भी लोड होवे तो असी बेसिस दी एलीमेंट भी रीप्रजेंट कर सकते। सो जिहड़ी स्प्लिटिंग फील्ड आ वह मिनीमल फील्ड हैगी है जिहदे विच पॉलीनोमियल दे सारे रूट्स होण। सो इस ढंग नाल साडे कोल कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपां उस क्वेश्चन नूं करना। मान लो मैं दूसरी एग्जाम्पल लै लैना क्वेश्चन नंबर टू, और ये एग्जाम्पल जी एन डी यू ये नाल दा एक क्वेश्चन पूछा जाता एग्जाम दे विच 2004 च पूछा गया। सो स्टेटमेंट इज फाइंड दी डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, ऑफ पॉलीनोमियल एफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फाइव माइनस थ्री एक्स रेज टू पावर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आ गया माइनस थ्री ओवर क्यू दिस वैल्यूज आ गई, ठीक है जी। सो पहला तो स्टेप ओ ही रूट फाइंड आउट करो। सो रूट फाइंड आउट करन लई तुहाडे को पॉलीनोमियल आ गई इस, और इस पॉलीनोमियल चो एक्स क्यूब पहले चो निकलिया, सो एक्स क्यूब विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस टू, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इतने आ गया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। ये वैल्यूज की बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इधर बन गया एक्स स्क्वायर
माइनस थ्री, तो साढ़े को रूट्स आ गए, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, विच इज केड़े केड़े आ गए, एक आ गया प्लस माइनस आयोटा, दूजा आ गया प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। क्लियर हो गया जी, प्लस माइनस आयोटा और दूसरा की आ गया प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। पर हाँ, इतने इक्वेशन जी एक्स क्यूब प्लस वन है ना, जो स्केयर होंगे फिर आना सी प्लस माइनस आयोटा, हूँ इतने प्लस माइनस अंडर रूट थ्री तो रूट साढ़े को आ गए। ये रूट कितना फाइंड करने, सो एक्स क्यूब प्लस वन नू जीरो करो पुट, यदा मतलब एक्स क्यूब माइनस वन आ गया, विच इज़ ए सिज पाई, सिज पाई का मतलब की आ गया सिज ऑफ टू के प्लस वन पाई, और एक्स की वैल्यूज बन गई सिज टू के प्लस वन पाई की पावर वन बाय थ्री, ये बन जाएगी सिज ऑफ टू के प्लस वन पाई बाय थ्री, के दी वैल्यूज आ गई जीरो वन ते टू, दिस आ गया। सो के जीरो पुट किया पाई बाय थ्री, और फिर आ जाएगा सिज माइनस पाई बाय थ्री, वन किया तो सिज पाई, सिज पाई तो माइनस वन होता, एक रूट आ गया माइनस वन, ठीक। और जेडे अगले दो रूट आ गए वो आ जाएंगे वन प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाय टू, दिस आ गया। हूँ आप अगर इन बड़े ध्यान नाल देखिए तो क्यू तो इलावा ये एलीमेंट दो ही रह गए, आयोटा तो अंडर रूट थ्री। सो पहला तो चलो सपलीटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स ओवर क्यू, ये नाम रख लिया के, और विच इज इक्वल टू क्यू, क्यू च जनरेटेड बाय सारे रूट लिख लो प्लस माइनस अंडर रूट थ्री, माइनस वन, वन प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट थ्री बाय टू। फिर जेड़ा तुहानू मैथड दसिया कि जेड़े तो क्यू नू बिलोंग नहीं करते, जेड़े तो बिलोंग करते वो रिमूव कर दिओ, जेड़े नहीं करते वो रख लो। सो क्यू आयोटा नहीं करता रख लिया, सो अंडर रूट थ्री भी नहीं करता ये भी रख लिया। सो दिस इज़ ए के, तो ये साढ़े को स्प्लिटिंग फील्ड असी फाइंड आउट कर ली। सो स्प्लिटिंग फील्ड साढ़े को कितना आ गया क्यू आयोटा अंडर रूट थ्री। सो सेम प्रोसीजर अप्लाई कर दियो जिदा पिछली थ्योरम च किया, सो यदि साढ़े को डिग्री फाइंड आउट करनी हो, सो डिग्री ऑफ के ओवर क्यू किन्नी आ जानी चार के बराबर, ठीक है जी। सो दो ये तो आएगी, दो ये तो टू इंटू टू इक्वल टू फोर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस वैल्यूज। सो इस ढंग नाल आप नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं स्प्लिटिंग फील्ड। सो स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट कर लिए, पॉलिनोमियल दित्ती एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन ओवर क्यू, और पी साढ़े को है प्राइम नंबर है, असी दी स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट कर। और दिस क्वेश्चन इज जी एन डी यू 1999 97 1999, सो साढ़े को असी वैल्यूज फाइंड आउट कर, दिस आ गया साढ़े को स्प्लिटिंग फील्ड। हूँ आप स्प्लिटिंग फील्ड इस पॉलिनोमियल दी बिल्कुल उस ढंग ही फाइंड आउट करनी है। सो सब तो पहला आप
चल पहिए एक्स पी रेज टू पावर माइनस वन। सो सॉल्यूशन, सब तो पहला तो रूट फाइंड आउट करने, तो एफ ऑफ एक्स नू जीरो पुट किया तो तुहाडे कोल आ गया एक्स पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। सो एक्स रेज टू पावर पी इक्वल टू वन, सो विच इज ए सिज जीरो, विच इज ए सिज ऑफ टू के पाई, और एक्स की वैल्यूज आ गई सिज ऑफ टू के पाई रेज टू पावर वन बाय पी, और के रन कर रहा जीरो वन टू एंड सो ऑन अप टू पी माइनस वन, दिस वैल्यूज आर। ठीक है जी, सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज सिज टू के पाई बाय पी, दिस वैल्यूज आ गए, और के रन कर रहा जीरो तो लैके पी माइनस वन, दिस वैल्यूज। तो सब्सटीट्यूट, अगर मैं इनू इस ढंग नाल रीप्रजेंट करना सिज के वन किता टू पाई बाय, इनू मैं अगर इस तरीके दे नाल लिख ला सिज ऑफ टू पाई बाय पी रेज टू पावर के, और इनू मैं लिख सकता अल्फा दी पावर के, ज अल्फा यूज करना अल्फा कर लो, सो अल्फे रेज टू पावर के, और वेयर अल्फा साढ़े को बराबर है सिज ऑफ टू पाई बाय पी। सिज का दूजा नाम की होंगे ई दी पावर आयोटा टू पाई बाय पी, एक्सपोनेशनल भी असी इनू रीप्रजेंट कर सकते। सो आ गया साढ़े को, सो साढ़े को अगर तो रूट केड़े केड़े हो गए, रूट आ गए के जीरो वन सो ऑन अप टू पी माइनस वन तक, तो साढ़े को ये पी रूट्स आ गए, तो स्प्लिटिंग फील्ड जी मेरे को बन गई, तो वट इज दिस स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये बन गई के। सो वट इज के इज क्यू जनरेटेड बाय, वैल्यू पुट कर दो पहला अल्फा जीरो तो वन, फिर अल्फा स्केयर, कंटिन्यू करते जाइए अल्फे दी पावर पी माइनस वन, ये आ गया। हुण इत्ते बड़े ध्यान नाल समझण की कोशिश करिए, सो वट इज़ दिस जिहड़ी साडे कोल दिस वैल्यूज आ गया, दिस वैल्यूज ये साडे कोल ओह पॉलीनोमियल है, ये साडे कोल फील्ड दे विच क्यू जिहड़ा है वन जिहड़ा है ये क्यू नूं बिलोंग करता, सो इहनूं छड्डता। हुण बाकी एलीमेंट्स रह गए, जे बाकियां चों कल्ला अल्फा बिलोंग कर गया क्योंकि फील्ड आ, अल्फा स्केयर भी करेगा, अल्फा क्यूब भी करेगा, अल्फा रेज टू पावर पी माइनस वन भी करेगा, सो इट मीनस स्प्लिटिंग फील्ड तुहाडे कोल आ गया क्यू जनरेटेड बाय अल्फा, दिस आ गया। सो दिस इज़ द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस। हुण जिहड़ी साडे कोल डिग्री हुंदी आ, ये तो साडे कोल सिंपल एक्सटेंशन होगी के डिग्री ओवर क्यू, सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए क्यू अल्फा ओवर क्यू, सो यदी डिग्री जड़ी हुंदी है वो की हुंदी डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर क्यू, पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा ओवर क्यू। ठीक है जी, सो अल्फा उस इक्वेशन का रूट है। नाउ जड़ी मेरे को गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन की है एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन, और वो रूट केड़े केड़े आ गए वन अल्फा अल्फा स्केयर अल्फा रेज टू पावर पी माइनस वन, सो दिस आ गया एक्स माइनस वन, और दिस इज इक्वल टू एक्स, बाकी रूट आ जाएंगे अल्फा एक्स माइनस अल्फा स्केयर करते जाओ एक्स माइनस अल्फे दी पावर पी माइनस वन। सो यदा मतलब आ जड़ा साढ़े को प्रोडक्ट है ये कि बराबर आ गया
ये आ गया एक्स दी पावर पी माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन, ये साढ़े को इस प्रोडक्ट के बराबर आ गया, एक्स माइनस अल्फा स्केयर एंड सो ऑन, वो पॉलीनोमियल जिदे अल्फा रूट्स है। ठीक है जी, तो मिनिमल पॉलीनोमियल मेरे को अल्फे दी इतों फाइंड आउट हो जाए। सो जो तुसी इस पॉलीनोमियल नू इहदे नाल डिवाइड करो तो तुहाडे कोल की बच जाता, तुहाडे कोल बचता एक्स की पावर पी माइनस वन एक्स की पावर पी माइनस टू, कंटिन्यू करते जाओ प्लस एक्स प्लस वन। सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए, इहदा नाम रख लो तुसी पी एक्स। सो वट इज़ दिस, इट इज़ ए मिनिमल पॉलीनोमियल ऑफ ऑफ अल्फा ओवर क्या। सो आम तौर पर यह गलती कर दिती जाती है कि मिनिमल पॉलीनोमियल पी ले लेंगे, ठीक है। सो यदि मिनिमल पॉलीनोमियल पी नहीं है, इनू जो साढ़े को जी वन वाली टर्म आनू असी बाहर कढ़ना, क्योंकि वन ऑलरेडी क्यों च बिलोंग करता। सो जो असी बाहर कढ़िया तो साढ़े को दिस डिवीजन बच गई, इस डिवीजन नाल साढ़े को आ मिनिमल पॉलीनोमियल बनी और उहदी डिग्री किन्नी है पी माइनस वन। जो पी माइनस वन है सो इहदा मतलब इहदी जगह ते साढ़े को वैल्यूज किन्नी आ जाएगी पी माइनस वन। जो पी माइनस वन आ गया सो वट इज़ द डिग्री ऑफ, सो हेयर वट इज़ द डिग्री ऑफ क्यू नाल आ गया अल्फा ओवर क्यू। सो ए आ गया डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल एक्स रेज टू पावर पी माइनस वन एक्स रेज टू पावर पी माइनस टू सो ऑन, साढ़े को एक्स प्लस वन। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू पी माइनस वन, ठीक है जी। सो ए दी स्प्लिटिंग फील्ड आ गई और उस स्प्लिटिंग फील्ड दे साढ़े को जी डिग्री आ गई, और नाल दे नाल क्योंकि मिनिमल पॉलीनोमियल आ और मिनिमल पॉलीनोमियल इरिड्यूसिबल हुंदी है सो वो इरिड्यूसिबल भी है। उस तो अगे चलीए स्प्लिटिंग फील्ड, असी अगला क्वेश्चन आ जाता हुंदा। सो नैक्सट क्वेश्चन इज, सो वट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, शो दैट द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स रेज टू पावर सिक्स माइनस वन ओवर क्यू एट, एक पॉलीनोमियल ला ली दूजी पॉलीनोमियल ला ली एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स रेज टू पावर टू प्लस वन, ये भी ओवर क्यू। सो दोनों की स्प्लिटिंग फील्ड जड़ी है वो सेम होएगी। शो दैट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स एंड दिस आर सेम, इज दैट उहदा नाम रख लिया ई, और एंड डिग्री ऑफ ई ओवर क्यू ये फाइंड करना, और ये सानू कितना दिता है, ये वैसे गिवन दिता कि ये दो दे बराबर होएगा, पर ये प्रूव करना सी। नाउ इन दिस केस साढ़े को दो पॉलीनोमियल आ गई हैं, तो हुण आपां बहुत सारिया पॉलीनोमियल दे रूप फाइंड कर चुके हैं, स्प्लिटिंग फील्ड कर सकते हैं। सो इहनू थोड़ा जिहा मैं डायरैक्ट चलूँगा। सो मेरे को पहली पॉलीनोमियल एफ एक्स, एफ एक्स नू मैं एक्स रेज टू पावर सिक्स माइनस वन ले लिया, और इनू मैं दो हिस्सों च लिख सकता, एक्स स्केयर माइनस वन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स स्केयर प्लस वन, है ना, जा इनू इहदे नाल डिवाइड कर दे। सो मेरे को दिस पॉलीनोमियल आ गई। हुण आपां स्प्लिटिंग फील्ड इहदी भी लभणी और स्प्लिटिंग फील्ड
एक्स रेज टू पावर सिक्स माइनस वन दे भी लग पड़ेगा। सो रूट्स ऑफ एफ एक्स, रूट्स ऑफ एफ एक्स ये तो आ गया प्लस माइनस वन। ये देखो हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि एक्स स्केयर च, और अगर ये एक्स स्केयर दे विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो दिस इज एक्स स्केयर माइनस वन प्लस माइनस साढ़े को आ गया प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी बाय टू। सो दिस इज माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री एटा बाय टू। दिस वैल्यूज आ गए ये सानू ओमेगा होंगे जो तुम याद हो। सो दिस इज ए ओमेगा। तो ये साढ़े को एक्स रेज टू पावर फोर प्लस एक्स स्केयर प्लस वन ये साढ़े को रूट्स आ जाएंगे प्लस माइनस वन वो तो आ गए और ये जोड़े रूट्स आ वो आ जाएंगे प्लस माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्केयर। सो तुसी रूट इदा लभन की बजाय रूट्स तुसी डायरैक्ट लभ सकते हैं फैक्टराइज भी कर रूट तुसी एक्स रेज टू पावर सिक्स नू वन ना ले लिया सिज जीरो आ गया सिज टू के पाई आ गया है टू के पाई आ गया। सो उस ढंग नाल भी आपां इहदे जिहड़े रूट्स आ उह फाइंड आउट कर सकते। सो साढ़े को रूट आ गए प्लस माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ स्प्लिटिंग फील्ड इस पॉलीनोमियल दी देखिए तो अगर मैं के लैना तो स्प्लिटिंग फील्ड होगी क्यू प्लस माइनस वन प्लस माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी तो क्या होया ये वन इनू बिलोंग करता सो कल ओमेगा नाल ही गल बन जानी। सो दिस इज ए क्यू ओमेगा। सिमिलरली ये रूट्स तुहाडे कोल आ है तो यदि स्प्लिटिंग फील्ड भी क्यू ओमेगा ही रहेगी। यानी कि अगर मैं यदा ना जी एक्स रख लैंना इस पॉलीनोमियल दा ये रूट्स दिस आ गए तो स्प्लिटिंग फील्ड यदी भी क्यू ओमेगा ही बन जाएगी। सो दोनों की स्प्लिटिंग फील्ड क्यू ओमेगा बन गई। अगर क्यू ओमेगा स्प्लिटिंग फील्ड बन गई तो ओमेगा दी मिनिमल पॉलीनोमियल केड़ी होंगी जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। किदा तुहानू पता ना क्यूब रूट ऑफ यूनिट इच वन जमा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो मिनिमम इस पॉलीनोमियल नू सैटिस्फाई करता तो यह मिनिमल पॉलीनोमियल है। सो ये उदी मिनिमल पॉलीनोमियल आ गई तो डिग्री ऑफ क्यू ओमेगा विच इज़ क्यू। सो दिस इज ए डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बराबर आ गया दो दे बराबर। सो विच इज़ अवर रिजल्ट। सो दोनों दी पॉलीनोमियल दी स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड की। सो स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करन तो बाद असी उदे जिहड़े आ रूट फाइंड आउट कर ले। सो इदां दीआं बहुत सारिया एग्जाम्पल्स सानू किताब दे विच मिल जाणगीआं आपां उहनां दी प्रैक्टिस कर लईए। सो मैं एक होर क्वेश्चन इहदे नाल दा ही सेम मैथड दा फिर करवा दिंदा। सो दैट इज़ ए फाइंड द स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स क्यू माइनस टू ओवर क्यू। ठीक है जी सो असी यदी स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट कर। नाउ व्हाट इज दिस पॉलीनोमियल एफ एक्स एक्स क्यू माइनस टू है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नाल भी ये रूट लभ सकते हैं किदा लभीदा होंदा। सो दिस इज एक्स आ गया दो दी पावर एक बटा तीन। सो ये आ जाएगा दो दी पावर एक बटा तीन वन दी पावर एक बटा तीन ये रूट होंगे वन ओमेगा ओमेगा स्केयर। तो साढ़े को रूट्स बन गए डायरैक्ट भी कर सकते रूट्स ऑफ एफ एक्स ये आ गया टू रेज टू पावर वन बाय थ्री पहला वन नाल करता
वन बाई थ्री ओमेगा नल करता, वन बाय थ्री ओमेगा स्केयर नल करता, रूट आ गया साढ़े को इस ढंग नाल रिप्रेजेंट करता। तो स्प्लिटिंग फील्ड की बन गई, स्प्लिटिंग फील्ड के ले लो ये बन गई क्यू जनरेटेड बाय टू वन बाय थ्री, टू वन बाय थ्री ओमेगा, टू वन बाय थ्री ओमेगा स्केयर। सो ना आ एलिमेंट क्यू नू बिलोंग करता ना ओमेगा करता, सो बेसिकली इट इज़ क्यू टू रेज टू पावर वन बाय थ्री एंड ओमेगा, दिस वैल्यूज आ गए। हुण आपां इहदी जिहड़ी है डिग्री फाइंड आउट कर लीए, सो इहनू लिख सकदे आपां दिस इज क्यू टू वन बाय थ्री ओमेगा एंड दिस इज क्यू। सो दो हिस्सों च कर लीए, सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नाल क्यू टू वन बाय थ्री ओमेगा क्यू ओमेगे तक चलीए, फिर क्यू ओमेगे तो शुरू करिए क्यू तक चलीए। सो अगर तुसी इनू एल क्यू ओमेगा नू ले लैने एल टू रेज टू पावर वन बाय थ्री, सो दिस इज एल, सो दिस इज क्यू ओमेगा क्यू, सो वट इज एल विच इज क्यू जनरेटेड बाय टू रेज टू पावर वन बाय थ्री। सो वट इज दिस, इट इज़ ए डिग्री ऑफ, यदि मिनिमल पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस टू गुणा, यदि मिनिमल पॉलिनोमियल है डिग्री ऑफ एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन। सो हुण तक सानू मिनिमल पॉलिनोमियल पता लग जानी चाहिए, ये आ गए तीन गुणा दो किन्ना आ गया छे, तो साढ़े कोल इहदी डिग्री छे आ गई, और छे आ गई तो इस पॉलिनोमियल दे जिहड़ी बेसिस एलीमेंट किहड़े होणगे, इहदे होणगे वन टू रेज टू पावर वन बाय थ्री, टू रेज टू पावर टू बाय थ्री या फोर बाय वन बाय थ्री, इहदा भी लिख सकदे हां, और दूजे दे किहड़े किहड़े होणगे वन ते ओमेगा। सो पहला वन नाल मल्टीप्लाई करिए फिर ओमेगे नाल, तो इहदी बेसिस दे विच छे एलीमेंट किहड़े किहड़े आ गए वन टू रेज टू पावर वन बाय थ्री, फोर रेज टू पावर वन बाय थ्री, फिर आ गया ओमेगा, फिर आ गया ओमेगा टू रेज टू पावर वन बाय थ्री, फिर आया फोर रेज टू पावर वन बाय थ्री इंटू ओमेगा। ठीक है जी, आ ओमेगा इधरों चुको इधर रख लो, सो थोड़ा जहा बैटर लगता। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो डिग्री किन्नी छे, और इहदी बेसिस एलीमेंट किहड़े हो गए साढ़े को छे, इहदी बेसिस दे विच एलीमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो इस ढंग दे नाल असी जिहड़ा आ वो प्रूव करना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिहड़ी साढ़े को टाइप है, और इस टाइप दे नाल असी अपना जिहड़ा वो रिजल्ट जिहड़ा वो प्रूव करना। आपां ऑलरेडी पहला कर चुके हैं कि जिहड़ी फाइनाइट एक्सटेंशन है वो भी पढ़ चुके हैं, आप अलजबरिक एक्सटेंशन भी पढ़ चुके हैं, और साढ़े कोल एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, शो दैट अलजबरिक एक्सटेंशन नीड नॉट बी ए फाइनाइट, कि जिन्हिया भी अलजबरिक एक्सटेंशन है वो जरूरी नहीं फाइनाइट एक्सटेंशन हो। ठीक है जी, सो उन्हों असी किस ढंग नाल प्रूव करना, सो मैं इस क्वेश्चन नू भी आप डिस्कस कर लेने हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यह GNDU यूनिवर्सिटी च पूछया गया। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड। सो वट इज़ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज़ शो दैट द अलजबराइक एक्सटेंशन, अलजबराइक एक्सटेंशन extension need not be a finite, need not be a finite, बहुत
इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और इनू बड़े ध्यान नाल समझियो, थोड़ा जहा टफ रिजल्ट आ, सो इनू बड़े ध्यान नाल समझियो। असी प्रूव की करना कि साडे कोल कोई अलजबरिक एक्सटेंशन है बट वो फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं है। मान लो प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, मान लो ए जड़ा है, सो दिस इज ए अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू, क्यू की है सेट ऑफ रैशनल नंबर। जे अलजबराइक एक्सटेंशन ऑफ ए दा मतलब ए दा हरेक एलीमेंट अलजबराइक होएगा क्यू दे उत्ते। असी प्रूव की करना टू प्रूव कि जेड़ी साडे कोल ए क्यू, दिस इज नॉट ए फाइनाइट एक्सटेंशन, सो दिस इज नॉट ए फाइनाइट, टाइम फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं होएगी, ठीक है। सो असी इस रिजल्ट नू प्रूव करना, तो प्रूव करांगे असी कंट्राडिक्शन। मान लो सपोज डिग्री ऑफ ए ओवर क्यू ए फाइनाइट है, अगर फाइनाइट है सो एदी कोई वैल्यू ले ली और एदी वैल्यू मैं एन रख ली, एदी एन वैल्यूज रख ली। हुण मैं एक पॉलिनोमियल कंसिडर करनी जिदी डिग्री एन तो ज़्यादा हो, मतलब एन प्लस वन हो जाए, एन प्लस टू हो जाए। सो आई कंसिडर एफ एक्स पॉलिनोमियल एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस थ्री, एंड वी नो दैट सो दिस पॉलिनोमियल इज इरेड्यूसिबल ओवर साडे कोल क्या इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। जे इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है इहदे बारे सानू पता है, और असी एक रिजल्ट लास्ट लैक्चर च डिस्कस किया सी कि मेरे कोल नीटा एक पॉलिनोमियल है, मैपिंग है एफ एक्स तो नीचे जाती जनरेटेड बाय मिनिमल पॉलिनोमियल पी एक्स, और दूजे पासे सेम पर वेरिएबल चेंज हो जाएगा। सो दिस इज ए एफ टी ओवर जनरेटेड बाय साडे कोल पी डैश टी, इहदी मिनिमल पॉलिनोमियल ले ली एफ डैश दी, और दिस इज डिफाइंड बाय, दिस इज डिफाइंड बाय इधर लेफ्ट हैंड साइड च एलीमेंट हो गए नीटा। सो ये एलीमेंट एफ ऑफ एक्स ले लो प्लस जनरेटेड बाय पी एक्स, और दूजे पासे ये एलीमेंट एफ डैश टी ले लो प्लस जनरेटेड बाय पी डैश टी। दिस वैल्यू साडे कोल ए मैपिंग असी लै ली, और ए मैपिंग आइसोमॉर्फिज़म होती है, प्रूव करन दी लोड नहीं है, सो आप ऑलरेडी कई बारी कर चुके हैं। सो दिस काइंड इज आइसोमॉर्फिज़म, सो ए आइसोमॉर्फिज़म होती मैपिंग। नाउ इनू आपां स्टडी कर लीए, अगर मेरे कोल यू ते दिस फस्ट मैं एफ जनरेटेड बाय साडे कोल यू एलीमेंट ला लिया दिस वैल्यूज तो, और सैकेंड असी कीता सीगा एफ एक्स विच इज जनरेटेड बाय पी एक्स, ये वैसे आप प्रूव कर चुके हैं। थर्ड आ गया एफ डैश टी अगेन जनरेटेड बाय पी डैश टी, फिर फोर्थ आ गया ये रिलेटेड
सो दिस इज ए एफ डैश वी। अगर इनू आप सेम रखांगे तो साढ़े को वैल्यूज सेम आ जाएगी, अगर डिफरेंट आ तो डिफरेंट। सो आडे को आइसोमोरफिजम आ, वी नो दैट, और दिस इज ए नीटा आइसोमोरफिजम, और इस इधरों इधर सिगमा वन हुंदा तो दिस मैपिंग इज सिगमा वन इनवर्स, और दिस मैपिंग इज सिगमा टू दे बराबर आ गया। तो ये जड़ी कंपोजिट मैप असी फाई लै लईए, ये आ गया सिगमा वन इनवर्स, फिर नीटा, फिर सिगमा टू, और ये मैपिंग कितों हो गई साढ़े को एफ यू तो एफ वी तक हो गया। सो दिस मैप इज फाई मैपिंग। तो ये भी साढ़े को आइसोमोरफिजम हो जाएगी, क्योंकि सारिया मैप साढ़े को आइसोमोरफिजम, तो कंपोजिट मैप भी साढ़े को आइसोमोरफिजम बन जाएगी। तो देखिए कि ये एलीमेंट किदा दे रिप्रजेंट करते हैं। अगर मैं अल्फा एफ फील्ड विचों लिया, अगर अल्फा एफ फील्ड विचों लिया, सो वट इज़ फाई ऑफ अल्फा, सो फाई ऑफ अल्फा विच इज सिगमा वन इनवर्स नीटा सिगमा टू अल्फा, ठीक है। सो सिगमा टू अल्फा इत्थे देखो, सिगमा टू मैपिंग एदे तो जा रही है, अल्फा मीन दिस प्लस दिस, और ए एलीमेंट कि जा रहा वेरिएबल ही चेंज हो रहा, सो वह भी साढ़े को अल्फा ही रह जाता, दिस वैल्यूज आ गए, क्लीयर हो गया ना। सो नीटा टू तो वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सो सिगमा टू, सिगमा टू साढ़े को अल्फे की वैल्यूज आ गई, सो दैट इज़ इक्वल टू सिगमा टू कंपोजिट मैप आ, मैं गलत लिख गया, इनू असी इस ढंग ना लिखना। सो दिस इज ए कंपोजिट मैप, सो फाई विच इज इक्वल टू पिछों स्टार्ट करी था सिगमा टू, फिर आया नीटा, फिर आया सिगमा वन इनवर्स, हूँ अल्फा फील्ड च लिया, सो फाई अल्फा ये आ गया सिगमा टू नीटा सिगमा वन इनवर्स अल्फा, आ सिगमा वन इनवर्स आया। सो अल्फा कि गया अल्फा जमा जनरेटेड बाय पी एक्स, सो फील्ड का एलीमेंट आ उदा ही लग गया। सो दिस वैल्यू इज सिगमा टू नीटा, फिर आया अल्फा जनरेटेड बाय पी एक्स, दिस वैल्यूज आ गए। हम नीटे ने ऑपरेट किया ये मैप इतने जाके अल्फा ही रह गया एफ डैश का एलीमेंट, सो अल्फा डैश लिख लो, और इतने पॉलिनोमियल पी डैश टी दे विच आ गए। सो दिस वैल्यू विल बिकम सिगमा टू, फिर आया अल्फा बन गया अल्फा डैश, और ए बन गया पी डैश वेरिएबल चेंज टी दे बराबर। हुण सिगमा टू ऑपरेट किया इतने जाके की बनया, ए बन गया अल्फा डैश दे बराबर। सो दिस अल्फा एलीमेंट एफ दा, अल्फा डैश एलीमेंट एफ डैश दा एलीमेंट ये साढ़े को उस फॉर्म च चला गया। इदां ही तुसीं जदों यू नाल ऑपरेट करोगे, सो दिस वैल्यू विल बिकम ए वी, है ना, उस ढंग नाल करदे जाओ तो ये साढ़े को उस तरीके दे नाल आ गए। फिर जिहड़ी आपां पॉलीनोमियल लई आ एफ एक्स, एक्स की पावर एन प्लस वन वाली, वो साढ़े को इरेड्यूसिबल पॉलीनोमियल होगी बाय आइंस्टीन क्राइटीरिया। जदों असी आइंस्टीन क्राइटीरिया यूज करांगे, देख लियो, सो एफ ऑफ एक्स ए की बन गई, सो दिस इज ए इरेड्यूसिबल पॉलीनोमियल ओवर क्यू बन गई। यदा मतलब मिनिमल पॉलीनोमियल होएगी जड़ा भी ये अंदर का रूट आ, सो इट इज़ ए इरेड्यूसिबल पॉलीनोमियल ओवर साढ़े को क्यू बन गया। मन लो लैट अल्फा जड़ा है
इट इज अ रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है जी। अल्फा पर रूट ऑफ एफ एक्स ले लिया जी, अल्फा में एफ एक्स पॉलिनोमियल एक्स दी पावर एन प्लस वन माइनस थ्री का रूट अज्यूम कर लिया, तो यदि अलजबराइक एक्सटेंशन कौन आ, ए, तो अल्फा ए नू भी बिलोंग करेगा और ए नू भी करेगा नाल दे नाल अल्फा इहदा रूट आ। सो क्यू जनरेटेड बाय अल्फा विच इज़ ए पार्ट ऑफ ए, दिस वैल्यूज आ गई, ये तो क्लीयर ही है जे दिस वैल्यूज आ गई और ए किदे तो आ, सो दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू। सो वट इट मीनस, इट मीनस क्यू अल्फा डॉटेड क्यू डिवाइड फाइनेट एक्सटेंशन ए क्यू नू डिवाइड करेगा, दिस वैल्यूज आ गई। सो दिस वैल्यूज आ गई कि ए उन्हू डिवाइड करेगा। यदि डिग्री किन्नी है जी, यदि डिग्री क्योंकि आ हुण मिनिमल पॉलिनोमियल बन गई, अल्फा इहदा रूट आ, सो यदि डिग्री बन गई क्यू अल्फा, क्यू अल्फा एंड क्यू, ठीक है, नॉट ए माइनस नहीं है, दो बिंदियाँ, विच इज़ इक्वल टू डिग्री दिस विच इज़ एन प्लस वन, और ए तुसी की अज़ूम कीता एन, सो इट मीनस एन प्लस वन एन नू डिवाइड कर रहा, सो विच इज एब्सर्ड, विच इज एब्सर्ड, ये साढ़े को जड़ा वो पॉसिबल नहीं हैगा। जे पॉसिबल नहीं है तो असी जो मान रहे सीगे वो साढ़े को गलत हो गया, और अगर वो गलत हो गया इट मीनस साड़ी सपोजिशन रोंग हो गई। जे रोंग रोंग हो गई तो दिस एक्सटेंशन ए क्यू इज नॉट ए फाइनाइट, मतलब फाइनाइट एक्सटेंशन तो अलजबराइक हो सकती है बट जड़ी अलजबराइक एक्सटेंशन है वो जरूरी नहीं फाइनाइट होएगी। सो विच प्रूव अवर रिजल्ट।